ग्रीन आर्मी अजमेर मदद फाउंडेशन और शास्त्री नगर विकास समिति के तत्वावधान में अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 66 में पौधारोपण एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 66 के पार्षद और अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं और शास्त्री नगर विकास समिति द्वारा वार्ड के पार्क नंबर 3 भक्त प्रहलाद पार्क और वीर हकीकत राय पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से पारिजात के पौधे, हर श्रृंगार के पौधे और वॉकवे के नजदीक अशोक के पेड़ लगाए गए हैं। कार्यक्रम में अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा भी उपस्थित रही। वहीं ब्रजलता हाड़ा ने कहा कि सभी को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण और पौधारोपण करना चाहिए, ताकि हमारा अजमेर भी हरित अजमेर के रूप में पहचाना जाए। कार्यक्रम में विकास समिति के पदाधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आज जो पौधारोपण किया वार्ड नंबर 66 में, जिनके जो पार्षद है वो नीरज जैन जी हैं, और जो ये गार्डन है वो भक्त प्रहलाद गार्डन, गार्डन नंबर 3 है, इसमें पौधारोपण किया गया है। और ये पौधारोपण जो है मदर अर्थ फाउंडेशन और जो यहाँ की शास्त्री नगर विकास विस्तार विकास समिति है, उनके द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया, इस कार्यक्रम रखा गया उसका। तो ये शहर में आज जो पौधारोपण रखा गया, ये बहुत मतलब अच्छा कार्यक्रम है ये। और मैं सभी को यही मैसेज दे रही हूँ, संदेश दे रही हूँ कि भाई आप अपने आसपास भी पौधे लगाएं, जो ऑक्सीजन की भी कमी हुई थी वो कमी पूरी हो जाए, और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजमेर शहर में लगे, तो अपना अजमेर हरित अजमेर के नाम से पहचाना जाए। बस इतना ही कहूँगी। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। इस अभियान के साथ मदर अर्थ फाउंडेशन ने अजमेर में 1,00,000 पौधे लगाने का, पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प की परिणति में आज मेरे वार्ड में शास्त्री नगर क्षेत्र में यहाँ की विकास समिति विस्तार जो है उसके साथ मिलकर के जो पार्क नंबर 3 है, प्रहलाद पार्क और वीर हकीकत राय पार्क, पार्क नंबर 4, वहाँ पर वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम पूरी विकास समिति के सारे मेंबर्स, यहाँ रहने वाले यहाँ के निवासी और मदर अर्थ फाउंडेशन, ग्रीन आर्मी सब ने मिल करके किया है। यहाँ पर जो पाम ट्री है वो भी लगाए गए हैं, और वहीं पारिजात हर श्रृंगार के पौधे लगाए गए हैं, और ये जो वॉकवे है उस वॉकवे के साथ में अशोक के पेड़ लगाए गए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सामाजिक संगठन एनजीओज ने बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी वृक्षारोपण में तय की है, ये एक अद्भुत प्रयास है, अकल्पनीय है। मैं साधुवाद दूंगा मदर अर्थ फाउंडेशन को, उनकी पूरी टीम को, जो लगातार हर महीने के अंतिम शनिवार के दिन ये वृक्षारोपण करती है। आज भी इन्होंने सुबह एक स्थान पर वृक्षारोपण किया है, और उसके बाद आज यहाँ पर वृक्षारोपण करने आए हैं। निश्चित रूप से इनका जो 1,00,000 का लक्ष्य है, इस प्रकार आम जन और जनता इनका सहयोग करती रही, सहायता करती रही, तो ये अपने 1,00,000 के लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करेंगे। ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ, ऐसी मैं सदिच्छा करता हूँ। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।